गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अमन सरताज ब्लॉग। और हम आ गए हैं वापस अपनी ब्लॉगिंग लाइफ में एक पतला सा मुंह लेके। लास्ट अपने मेरी वीडियो देखी हुई, उसमें बहुत मोटा था, बट मैंने थोड़ा वर्कआउट करके अच्छा कर लिया। तो अभी हम जाने वाले हैं पुष्कर मैं जाऊँगा रोहिन के साथ। जैसे कि मैंने ज़्यादा ट्रैवल रोहिन के साथ ही किया है, तो उसी के साथ करने वाला हूँ। सो फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ और अभी जा रहा हूँ 200 फुट के लिए। और मैंने अभी कैब बुक की है। हाँ जी जी, अमन के नाम से। कैसे लोगे आप? ऑनलाइन ले लो या कैश ले लो? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। फाइनली 200 फीट पे पहुंच चुके हैं और रोहिन आ रहा है, उस बत्ती पे खड़ा है। चलो दिखाता हूँ उसकी नई गाड़ी और उसको, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम। सो ये है इसकी नई गाड़ी। फोन क्यों लगा रखा है, फोन तो काटो। दिस इज हाय, इसने वेलकम टू माय न्यू कार। अरे सनरूफ वाली भी ले ली। तो गालियां खाएंगे आप? आपने हमको बताया तक नहीं आपने गाड़ी ले ली। कितने दिन हुए लिए हुए? हाँ? कितने दिन हुए? एक महीना हो गया। इतना मतलब सहम क्यों गए? एक जून को ली। इतना खतरनाक नहीं हुआ? देखने में खतरनाक। बेल्ट लगा लीजिए अब आप। ओए होए, अब ये पुरानी गाड़ी में इतने रूल्स लगाते थे? अब ये पुराने वाले बल्लू नहीं है जो लेबे किया करेंगे। आप इज्जत चाहिए, फुल इज्जत। क्या है पुष्कर में आपका आज? आज मेरा पुष्कर में इवेंट है, शो है। फिर हमें रात को वापस भी आना है क्योंकि कल सुबह मेरा मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है जो कि मुंबई के लिए है। फिर मुंबई से मुझे जाना है नासिक से मुझे आना है वापस मुंबई, और मुंबई से वापस मुझे जयपुर से फिर इवेंट करके मॉर्निंग में फिर जाएंगे शाम को मंडावा। देख लीजिए, अगर किसी को बहुत बिजी हूँ किसी को किडनैप करना है तो पूरा शेड्यूल बता दिया इन्होंने। और नई गाड़ी के बारे में कुछ बताइए। अरे नई गाड़ी एकदम मस्त चल रही है रे, बोले तो एकदम झकास मामू। अपन जा रहे ला है पहली बार टोल कटवाने, और ये अजमेर रोड किससे कटता है रे, और टोल किससे कटता है? वो पंची नहीं रे, कुछ बोलते है उसको। अरे वो इंस्टाग्राम पे करते हैं ना अपन किसी को फोटो में टैग। यस टैग, कौन सा फास्ट टैग? हाँ वो जो भूखा टैग है ना उसको फास्ट टैग बोलते हैं। तो आज से पहले देखा होगा कि बाबा इस सीट पे नहीं बैठे थे। अब इन्होंने नई गाड़ी ली है तो ये सीट को नहीं छोड़ेगा। इसे कहते हैं मोह, गाड़ी से मोह। मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है इतने दिन बाद साइड वाली सीट पे बैठने का। गाड़ी मक्खन चल रही है हमारी। अभी तक मुझे ये लगता था कि लोगों को मेरी ड्राइविंग पे शक नहीं है, ड्राइविंग अच्छी लगती है इसलिए मेरे को ये बिठा के रखते कि तू हाँ गाड़ी चला। तो फाइनली मैं ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ, और फाइनली आ गया ड्राइविंग सीट पे अपनी असली औकात पे। और हम खाएंगे हमारा ब्रेकफास्ट। तो चलिए चलते हैं, सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए वरना भगवान सेफ्टी इज मस्ट। चलिए टाइम टू बिगिन, लेट्स गो। देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं श्री रतन टाटा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने इतनी जबरदस्त गाड़ी बनाई है। हेलो, इस गाड़ी में बारिश आते ही वाइपर अपने आप चल जाते हैं, जैसे दुचुक दुचुक वाइपर नहीं, जैसे कि राजेश खन्ना हो आए। चलिए 3, 2, 1 अब चलो ना। तो रास्ते में उतरे हम चाय पीने के लिए। अभी नहीं उतरे, अभी तो बैठे हैं गाड़ी में, अब उतरेंगे। रुको, वाओ सेंस ऑफ ह्यूमर। लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। देखो 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 देखो, हैंड ब्रेक नहीं लगाया ना। तो अभी अभी ये लाइव आपने कांड देखा, बिना हैंड ब्रेक के गाड़ी छोड़ दी थी और पीछे निकल पड़ी। हमने कौन सा पुराना हुआ है, जल्दी बोल, सुबह बंद में निकल। आलू प्याज पराठा, साथ में कुल्हड़ चाय मिली, और ये खाएंगे दही गाजर का अचार। चलिए आपको लेके चलते हैं
10 का दम दिखाने के लिए। कितने प्रतिशत भारतीय ये मानते हैं कि ये गोरा और मैं काला हूँ? मानते हैं। तीन परांठे खाने के बाद डेढ़ डेढ़ परांठा खाया है। छोटे वाला हिस्सा दो मेरे को दिया इसने, तीसरा मैंने छीना इससे। और हम खा रहे हैं खजूर, खजूर रॉयल खजूर। ये हमारे दोस्त रॉयल मनीष की दुकान से आए हैं। भैया होता है एवरेज 20 तक लाके वापस 18 पे आ गए, इससे चिढ़ रहा है। हम लगभग अजमेर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम राइट लेंगे और एक शॉर्टकट वे बताया है इन भाई साहब ने। अरे बाबा ये तो ट्रिक है ये रे। देखो ये ऑटोमेटिकली कैसा सामने आ रहा है, देखो कैसे 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 रॉन्ग साइड गाड़ी। कैसे लोग है दुनिया में, मतलब ऐसे लोग, ऐसे लोगों को मोदी जी से दरख्वास्त है इनको उल्टा लटका करके इनके साथ जो किया जाए जो मोदी जी का मन हो। तो ये वो रास्ता है जिससे आप घुसकर की तरफ मुड़ सकते। यस, आपको मैं बता दूं ये जो रास्ता है ना सबसे शॉर्टकट है। अगर आप आएंगे इधर से गूगल मैप थोड़ा खोल लेना तो आपको अंदर यू टर्न लेना पड़ेगा उस फ्लाईओवर से जो अजमेर की तरफ जाता है, उससे यू टर्न लेके सीधा चल जाना। ये रोड एकदम मक्खन बनाया हुआ है, थोड़ा कच्चा वच्चा आया था पिछली बार रास्ता, लेकिन वो ठीक है गाड़ी चल सकती है। गाड़ी के लिए कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ फिर बताता हूँ मैं किस मूड की खेली हूँ। उधर बारिश हो रही है, यहाँ पे होने वाली है, और उधर देखो धूप निकली हुई है पहाड़ों के ऊपर। तीनों दृश्य एक साथ देखने को मिल रहे हैं। ये आप 56 सालों में एक बार देख पाते हो ना? नहीं, ये आप ऑस्ट्रेलिया में रोज देख पाते हो। ऑस्ट्रेलिया गए हो आप कभी? नहीं, मैंने सुना है। ऐसे सुना है। लेक के बीचों बीच हम आ गए हैं, एक नंबर के चुप छपरी लोग जेब कतरे पुनीत सुपरस्टार के फैन है। एक नंबर के छपरे चितकू दी रहे साले यार, कोटी बंगली वाले लड़कियों को बावला बनाते हैं, बोलते पुष्कर लेक के बीचों बीच आ गए हैं। यार कोई भाई, भाई यहाँ पे गड्ढा ना बस। ओम नमः शिवाय, हे शिवा। ये देखो जो नई नई गाड़ी लेते ना उसका ये हाल होता है। अब तो भाई पानी के अंदर थोड़ी चलाते हैं, वोट थोड़ी लिया हूं मैं। अच्छा वोट नहीं, शॉर्टकट था उसका, लेफ्ट ही गए। लेफ्ट लेना, लेफ्ट तो वो है अजमेर। अच्छा आपको, अपन को तो होटल जाना है ना, अपन को कौन से मंदिर जा रहे हैं? तो एक छोटी गंगा आई है, छोटी गंगा नहीं पुष्कर जी आ गए लेक में। और यहाँ पे आराम से पत्थर होगा, ये तो अंदर ले जाने वाली तो जगह ही नहीं इसके अंदर, कोई दूसरा गेट है शायद इसका। आगे आगे चलो, बर्तन मारने वाली जगह का ये चड्डे वाले इंसान को वहां लेके जाना पैलेस इसके अंदर। अरे ये तो वो गंदा है ना, कार्पेट गंदा है। आगे से होगा कोई रास्ता। तो मित्रों हम पहुंच गए हैं पुष्कर इवेंट में, हमारे जिस इवेंट में हम आए हैं उनके बाहर खड़े हैं। रोहिन अंदर गया है रूम के बारे में पूछने के लिए कि हमारा रूम कौन सा है। तो अभी तो हम मस्ती करने वाले हैं, शाम को हमारा इवेंट है, हम इवेंट ज्वाइन करेंगे। बहुत दिनों बाद हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो जो नए लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आगे और मस्ती करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम, एंड आगे भी बहुत सारी हम वीडियोस बनाने वाले हैं। अभी पूरा उत्तराखंड घूमने का प्लान है हमारा 2-3 दिन के बाद, तो उसकी भी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। तो अभी अभी हमारे साथ धोखा हुआ है, वो धोखा रोहिन बताएगा कौन सा धोखा हुआ है। आ रहा हूँ। क्या हुआ कि हमको इतना बड़ा इतना शानदार आलिशान होटल दिखाया गया, बट उन्होंने मना कर दिया तुम लोगों का रूम यहाँ पे नहीं है। हमें एक गरीब से होटल के अंदर रूम दिया गया है। क्या हुआ था देवसेना? मैंने कहा उसे बारिश के कारण गाड़ी पार्किंग में लगा के आओ। जैसे ही हम होटल पे पहुँचे उसने कहा कि आपका होटल यहाँ नहीं है, आपका होटल 5-स्टार होटल है, इसलिए मैं उधर आया। ये लड़ियाँ लगा रखी है ना स्टारों वाली, ये 5-स्टार नहीं होते। ये यहाँ पे एंकरिंग करने नहीं, बर्तन धोने आए हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, शायद 305 है ना हमारा रूम, हम सब 305 है। ये भैया हमारे साथ, भैया आपका नाम क्या है? राहुल नाम है। नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुना ही होगा। क्या बात है, ये तो क्यों था ही नहीं था। रूम है, एसी नहीं है।
अरे एसी पीछे रहा दो सी। पीछे एसी है, चालू कर दीजिए। और बालकनी व्यू बहुत ही बढ़िया, अद्भुत, अविश्वसनीय। वैसे मैंने एक नींद मार ली, आज नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पे लंच के बारे में हमने पूछा तो 3 बज गए, अभी भी बोल रहे लंच चालू नहीं हुआ। तो हम तो कहीं बाहर ही हैं, खुद ही खाने जा रहे हैं। चलते हैं पुष्कर के अंदर, कुछ देख के आते हैं, खा पी के आते हैं। हमारा जो पुष्कर है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? पुष्कर बोलते हैं घाट के लिए, घाट पे आ गए हैं लिए। और यहाँ पे देखिए घाट पे हम आ गए हैं। ये देखो ये आ गया है, सामने घाट है, ऑटो आ रहा है उसमें से। ये घाट के अंदर छोटा हो गया, घाट इतना छोटा कैसे लग रहा है? अब इस घाट के अंदर से हम भी चलेंगे। आपने घाट घाट का पानी नहीं पिया तो पी लीजिए। आप पी लीजिए, आपकी प्यास बहुत ज्यादा है। घाट घाट का पानी पीना है तो अभी हम घाट पे। ये ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो पुष्कर में है, पूरा एशिया का सबसे बड़ा या सबसे प्राचीन जो एकमात्र टेंपल, एकमात्र। इसके अलावा कोई है नहीं एक्चुअली, इसके अलावा कोई है नहीं एक्चुअली। लड़कियां नमत देखो यार, ब्लॉग में डालो मैं बात तुम्हारी। तो देखो ये आजकल के छिपरे छपरी छपरे छपरे भीख मंगे पुष्कर आके वीडियो डाल देते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़े ब्लॉगर बन रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, ये दीवार कैसे लांगेंगे आप? एक दीवार दीवारें ऊंची करवा लो मेजर साहब, मैंने एक चैनल में मुकाबले होने वाले हैं। क्या करे हो यार, आपका मुंह उलझ गया शायद, दोबारा बोलो। मुंह उलझ नहीं गया है, यही डायलॉग बोलने की कला है वैसे। तो अभी हम हैं पुष्कर के घाट पे। यहाँ पे अलग अलग घाट बने हुए हैं। ये कौन सा घाट है मुझे पता नहीं, जयपुर घाट बोलते हैं शायद इसको। और उधर 3-4 घाट बने हुए हैं। एक वो जो ब्रह्मा जी का मंदिर है दूर, अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पे, तो उसके पास का एक घाट है, वहाँ पे लोग अपने पता नहीं पाप धोते होंगे शायद। ये है मैंगो लस्सी, दही के अंदर आम मिला के दे दिए उन्होंने। आपने क्या मंगाया? मैंगो जूस, शेक। आम आदमी बने हैं हमारे। हाँ ये दूध है पूरा, दूध है, लो चेक करो। ये पदार्थ आप ही पिए, मेरे घर पे भी अच्छा बनता है इससे। यहाँ पे कबूतर कितने अच्छे लग रहे हैं। और वो भाई साहब वहाँ पे क्या करने वाले हैं? हाँ बाबा, यहाँ क्यों आए हो आप? तो जैसा कि हम आर्ट ऑफ लिविंग के दोनों सदस्य हैं, हमें ध्यान करना बहुत पसंद है। तो हम घाट पे बैठे हैं ध्यान करने के लिए कुछ समय के लिए। ध्यान करते वक्त हम वीडियो नहीं बना सकते, तो ये जानकारी देना आवश्यक था इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैसे तो ध्यान करने के बाद कुछ बोलने का मन नहीं करता, कोई विचार नहीं होते, फिर भी आपको कैसा लगा यहाँ पे बैठ के ध्यान करने से? यहाँ ध्यान करके बहुत अच्छा लगा, और जो अच्छा लगा वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इतनी घाट की शांति इतनी ज़्यादा थी, और फिर जब ध्यान किया तो भीतर से भी जब शांत हुए तो कुछ बोलने का मन नहीं किया। शुरू में वहाँ पे एक सॉन्ग चल रहा है हरे राम हरे कृष्णा वाला, वो उसके साथ अच्छा लगा। मतलब उसको हम सुनते रहे और सुनते सुनते फिर सब कुछ ब्लैंक हो गया, और आके खुलने के बाद तो कुछ विचार ही नहीं रहते। तो ध्यान भी करना चाहिए। ध्यान करोगे तो सही रहोगे, आपका दिमाग ठीक रहेगा, आपका मन ठीक रहेगा, आपके पास लोग आएंगे। ध्यान नहीं करोगे तो आप दूसरे आपसे दूर भागेंगे। देखो अगर हम ध्यान करें तो उसके बाद में देखो हमारे पास तो लोग तो क्या है, कबूतर भी पास आ गए, कबूतर भी आ गए। तो चलो अपन चलते हैं, कुछ खा लेते हैं दाल बाटी खाने का। यहाँ का बेस्ट दाल बाटी खिलाएंगे आपको भाई साहब। यहाँ पे मंदिर और घाट के पास पार्किंग का बहुत इशू है, इन्होंने पता नहीं कहाँ भेज दिया हमको। पुलिस वाले आए थे 2, हमारी गाड़ी को पार्किंग का यहाँ लगा दो ना। ये पुष्कर की गलियां। हे गाइस, हे गाइस, वेलकम टू माय शेयर। हे गाइस, चैनल टू माय वेलकम। हे गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल। वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे भैया ने पहले दाल बाटी खाई थी, इसमें पहले खा लेते हैं उसके बाद बताते कैसा टेस्ट था। तो फाइनली हमारी दाल बाटी आ चुकी है। टेस्ट में कैसी है?
वैसी है जो 3 साल पहले थी? हाँ, जिसको आपने 5 साल पहले बोला था। 3 साल पुराना, भूल गया टेस्ट, बट अच्छी थी उस वक्त में और अभी भी अच्छी है। तो हमने मालपुए खाए हैं और क्या खाया था, रबड़ी खाई थी। रबड़ी 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 बड़ी टेस्टी थी सच में। जो भाई साहब दाल बाटी थी ना, इससे अच्छी तो जयपुर में मिलती है। लेकिन आप पुष्कर में ठीक थी यार। हमेशा हम कहती है कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। हम तो कहते हैं कि तुम हमारे साथ जयपुर चलो। देखो अरे बादल बहुत मस्त जगह है। वावा अभी कहाँ जाने का प्लान है? पुल में सोचता बहुत है। तो भैया देखिए ये गंदा पुल, नहाने का बनेगा? इसको देख कर के तो नहीं कर रहा। होटल अच्छा है वैसे देखने में। तो चार्ज करते हैं फोन ऊपर चलते हैं। किसको? फोन। ओके तो इवेंट कितने बजे स्टार्ट है? अराउंड 7 7 के 8 बजे नहीं मुझे पता। तो अपने पास है 3 घंटे, मैं तो मस्त सो रहा हूँ। हेलो एवरीवन, हम सोकर उठकर आ गए हैं और अब हमारा शो स्टार्ट होने वाला है। और ये जो लाइट चमचमाती हुई हमारे चेहरे पर गिर रही है, ये हमारा शो सेटअप है। आगे अंदर जाकर की एंट्री, जहाँ से दिन में हमको भगाया था ना कि दूसरी जगह जाओ, वो जगह ये वो जगह। अच्छा, बोलना जरूरी बतानी नहीं थी, सॉरी। संकट ये हो रहा है अभी कि हमारा मेरा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है जो कि मुझे पहुंचना है जयपुर एनी हाउ 3:30 के बीच। तो आधा एक घंटा मैं अपना प्रिपरेशन करूंगा घर से और फिर जाऊंगा एयरपोर्ट। लेकिन अभी इवेंट जो यहाँ का पुष्कर का है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी टाइम कितना हो रहा है? 9:30 बज चुके हैं। 9:30 बजे बोलो। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 10 बजे तो इनका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक 9:30 हो गया, स्टार्ट भी नहीं हुआ इनका। बोलो। तो शायद लेट हो जाएगा एंड 12 बजे से पहले निकलना पड़ेगा, अदरवाइज कीप योर फिंगर्स क्रॉस वाला काम चला जाएगा। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। लाइव नहीं चल रहा है, फ्री हो जाए। लाइव नहीं चल रहा है, वी आर ओके ओके। इतना स्लो चलने की जरूरत नहीं, एक्टिंग करवा लो। अच्छा है। 3, 2, 1 म्यूजिक। तो सीन ये है कि मेरा सूट का काम जो था वो कंप्लीट हो गया। रोहिन जी अभी भी लगे हुए हैं, मैं निकले आया। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था एक्चुअली, मतलब पार्टी तो अच्छी लग रही थी मेरे को शादी वाली, बट इन लोगों मैंने क्या स्पेस बहुत कम ले रखा था। तो लोग ऐसे आए हुए थे जैसे कि बस पूछो मत, सांस नहीं आ रही थी मेरे को तो इसलिए मैं निकले आया। एंड अब मैं जाके रेस्ट करूँगा, रोहिन का फिर वेट करूँगा और फिर हम रात को ही निकलेंगे जयपुर के लिए वापस। ओके, तो सो मैं आके लेट गया हूँ यहाँ पे। अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा क्योंकि रात को मेरे को गाड़ी चलानी है और रात को हम पहुँच जाएंगे। रात को गाड़ी चलाते वक्त ब्लॉग नहीं बनाएंगे, तो हम अपना ब्लॉग जो पुष्कर घूमने का वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉग आने वाला है वो हमारा आने वाला है ऋषिकेश का, और मे बी आसपास की बहुत अच्छी अच्छी जगह हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।